सबसे पहली चीज तो ये कि मैं यहां पर एक काम कर रहा हूं, वो आप देखें वीआई करके ईटीसी के अंदर एफएस टैब में गया हूं, वीआई ईटीसी एफएस टैब, और एफएस टैब में जाके मैंने एक बैकअप के नाम का पार्टीशन है या कोई भी पार्टीशन है, और उस पार्टीशन की क्या किया है भाई, उस पार्टीशन का मैंने होम का एक पार्टीशन है उसमें यूयूआईडी क्या लिखा हुआ है, मैंने उसका यूयूआईडी चेंज कर दिया और उसके आखिर में 56E लिखा हुआ था, B56E वो मैंने उसमें से डिलीट कर दिया, AB56E लिखा हुआ था ये मैंने डिलीट कर दिया, या ये समझ लें मुझसे ये मिस्टेक हुई कि एफएस टैब की एंट्री जो है ना वो सही मैंने नहीं डाली। तो इस तरह की सिचुएशन में मेरा सिस्टम कहां जाता है वो हम देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम जो है वो इसको डब्ल्यू क्यू से मैंने सेव किया है और मैंने अपनी मशीन को रिबूट कर दिया है, क्योंकि मैं एफएस टैब की एंट्री करने के बाद जब भी आप करते हैं माउंट माइनस ए तो वो आपको मैसेज देता है कि भाई कैन नॉट फाइंड डैश डैश, यू यू आई डी का बता रहा है ये नहीं है, आपने वेरीफाई कर लिया वैसे तो, लेकिन फर्ज करें कि उसने आपको माउंट माइनस ए में भी नहीं दिया, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है, अब आपके पास ऑप्शन ये है कि आपने रिबूट किया और रिबूट करके वो वेरीफाई होगा। वैसे तो मैंने माउंट माइनस ए किया मुझे पता चली गया है, लेकिन फर्ज कर लें कि मैं माउंट माइनस ए करना भूल गया और अब मेरी मशीन रिबूट हो रही है, तो मशीन जब रिबूट होगी तो ये जाएगी कहां पे ये देखते हैं। आपकी जो है ना यही आदत अच्छी है कि आप जो है वो करके ही छोड़ते हैं, लिनक्स में वही कामयाब है जो बस बैठ जाए तो बोले भाई। मेरी मशीन जो है ना रिबूट हुई है और ये ऐसी पोजीशन पर है, अगर मैं इसको एस्केप करूंगा तो ये मुझे वो दिखाएगा कि भाई मैं एक डिस्क है जो फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो उस डिस्क को फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, जाहिर है वो डिस्क उसको नहीं मिलेगी और फिर देखते हैं क्या होता है। माउंट माइनस ए तो सिर्फ चेक करता है ना, ये देखें कौन से मोड में आ गया ये। अब हुआ क्या है, हुआ ये कि उसको एफएस टैब की फाइल को पढ़ना था, सक्सेसफुली सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए लॉगिन स्क्रीन पर जाने के लिए उसको उस पार्टीशन को मैप करवाना था और वो पार्टीशन किसी वजह से मैप नहीं हुआ। वजह क्या थी वो हमें मालूम है, वजह सबसे ऊपर लिखी जा रही है टाइम आउट वेटिंग फॉर डिवाइस। उसने कहा एक डिवाइस थी जिसको माउंट करने का कहा गया था, मैंने पूरी कोशिश की, 1.5 मिनट लगाया, 3 मिनट लगाए डिफॉल्ट जो टाइम था, तो मैं उस 1.5 मिनट में उस डिवाइस को पूरे सिस्टम में फाइंड करने की कोशिश की, मैं नहीं कर सका। ठीक है, तो उसने कहा डिपेंडेंसी फेल्ड फॉर होम लोकल फाइल सिस्टम, और वो पूरा उसने डिपेंड 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 का मैसेज दिया, और मैसेज देने के बाद उसने मुझे कहां लाके छोड़ दिया, मैसेज जो आया है वो कहां पे क्या आया है या आप देख लें, लिखा हुआ वेलकम टू इमरजेंसी मोड। अब आप इमरजेंसी मोड में आ गए, जब भी आप एग्जाम में भी अगर आप पार्टीशन से रिलेटेड कोई भी ऐसा काम करेंगे जो सही नहीं होगा तो ये आपको इमरजेंसी मोड में लाके डाल देगा। अब इस इमरजेंसी मोड में दो ऑप्शन है, या तो कंट्रोल डी करें ताकि मैं दोबारा इस प्रोसेस को दोबारा जो है वो स्टार्ट करूं, दोबारा मैं उस डिस्क को ढूंढूं और फिर दोबारा मशीन को जो है स्टार्ट लॉग इन स्क्रीन तक ले जाने की कोशिश करूं, या फिर आप रूट का पासवर्ड दें और मेंटेनेंस मोड में आ जाएं। तो मैंने इस मशीन पे रूट का पासवर्ड दिया है और रूट का पासवर्ड देके स्क्रीन को क्लियर किया है ताकि मैं मेंटेनेंस मोड में आ जाऊं। अगर आप उससे पूछेंगे ये कौन सा रन लेवल है तो बोलेगा अननोन, अननोन ये रन लेवल जो है वो अननोन है। हु माइनस आर करेंगे तो वो भी उसका भी रिजल्ट नहीं आएगा, वैसे हु माइनस आर में वो रन रन लेवल 1 रन लेवल 3 5 इस तरह से वो दे रहा होता है। खैर अभी जो मेन चीज है वो क्या है, मुझे ये मालूम है कि मैंने लास्ट जो काम किया था वो क्या किया था, लास्ट जो काम मैंने किया था जो एक्टिविटी मैं परफॉर्म कर रहा था वो थी एफएस टैब की। तो मैं वीआई करके ईटीसी एफएस टैब में चला गया और एफएस टैब में जाके मैंने ये देखा
कि भाई मैंने लास्ट एक्टिविटी क्या की थी, और उस एक्टिविटी को जो कि मुझे नहीं मालूम कि उसके आगे ए बी फाइव ई लिखा हुआ था, मैंने उस लाइन को हैश कर दिया और डब्ल्यू क्यू से इसको सेव कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं ये चाहता हूं कि इस वाली लाइन को इग्नोर करते हुए ये आगे बढ़ जाए। तो अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है हमारा। डब्ल्यू क्यू से सेव किया है और मशीन को रिबूट कर दिया। जब भी कभी आप मेंटेनेंस मोड में आएंगे तो आपको पासवर्ड देके ETC FS टैब में जाना होगा और FS टैब से आपको रिकवरी करनी होगी। एक बात मैं आपको और बता रहा हूं, अगर कोई एग्जाम दे तो उसमें इस बात का ख्याल रखे कि अपनी FS टैब की छेड़ने से पहले एक कॉपी किसी भी लोकेशन के ऊपर बना के रख ले। ये काम हम जब सेशन करा रहे होते हैं एग्जाम का तो 3 दफा रिपीट करते हैं कि भाई FS टैब को मॉडिफाई करने से पहले उसकी एक कॉपी, हर फाइल को मॉडिफाई करने से पहले उसकी एक कॉपी बना के कहीं रख लो, उसके बाद उसको भले चाहे कुछ भी करो। क्योंकि आप अगर FS टैब खराब हो गई और आपके पास उसकी कोई कॉपी नहीं है, किसी वजह से FS टैब डिलीट हो गई, ओवरराइट हो गई, कुछ चीजें हम बताते हैं जिसमें ओवरराइट भी हो सकती है, तो ओवरराइट हो गई तो आपके पास ऑप्शन हो आप कॉपी ले लो, क्योंकि FS टैब को लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नहीं, बात मुश्किल की नहीं है, बात मुश्किल की नहीं है, बात यह कि आपके पास टाइम नहीं होता ना। जी, उसके बाद में कुछ आपसे मैंने ये मशीन स्टार्ट की है, सिर्फ होगा क्या, मेरा जो रूट का सॉरी मेरा जो होम का पार्टीशन है वो मैप नहीं होगा, बस बाकी मेरी मशीन स्टार्ट हो गई। अब मैं दोबारा आया हूं पिन टर्मिनल में और मैंने देखा भाई कौन सा पार्टीशन मेरा जो है वो मैप नहीं हुआ LSBL के, तो उसने बताया कि होम का पार्टीशन नहीं हुआ जो SDA3 के ऊपर था, SD3 पे था। मैंने वहां पे कमांड लिखी BLK ID डिवाइस SDA3, उसने मुझे ब्लॉक आईडी दे दी। ये ब्लॉक आईडी मैंने यहां से कॉपी की और कॉपी करने के बाद मैं इसको लेके गया VI/ETC FS tab, उसमें गया और उसमें जाके मैंने इसको यहां से मैच कर लिया। कैसे मैच किया भाई, यहां पे इसको पेस्ट कर देता हूं, मुझे पता चल जाएगा कि इसमें और उसमें क्या फर्क है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके आगे ले आता हूं ताकि बिल्कुल सीध में आ जाए। और मैंने जब कैलकुलेट जब मैंने देखा तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि AB56E ये वो लाइन है जो यहां पे होनी चाहिए थी जो कि नहीं है, और मैंने इसको डिलीट कर दिया। यू से अंडू भी हो जाता है तो मैंने उसको डिलीट कर दिया, और डिलीट करके मैं जो है वो इसको हटा दिया, हैश को WQ से सेव किया, माउंट माइनस ए किया, तो ये अब रिजल्ट जो है बिल्कुल ठीक है। माउंट माइनस ए में ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि एरर जो आएंगे इस तरह के जो सिस्टम को रोक सकते हैं, मेंटेनेंस मोड में ले जा सकते हैं, ठीक है, रेस्क्यू मोड में ले जा सकते हैं, वो नहीं होंगे। तो अब मैं इस मशीन को रिबूट कर लूंगा, तो रिबूट करने का नतीजा ये निकलेगा कि मेरा मसला फिक्स हो चुका होगा, एक चीज। और दूसरी बात जो मैंने आपको बतानी थी, हाँ भाई ऐसा कर लिया या कर रहे हो? हाँ कर लो, बिस्मिल्ला पढ़ गए। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा था वो मैंने लिखी थी F disk versus G disk। अगर आपके पास 2 TB से बड़ी हार्ड डिस्क है तो वहां पे F disk का कोई काम नहीं है, F disk वहां पे 2 TB से बड़ी वाली हार्ड डिस्क के पार्टीशन नहीं बना सकती, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वहां पे आपको जी डिस्क यूज करना पड़ेगा, जी डिस्क, ठीक है, F disk की जगह जी डिस्क। मैं अभी आपको जी डिस्क से भी एक पार्टीशन बना के दिखाऊंगा, लेकिन आपको फर्क पता होना चाहिए एफ डिस्क है कौन से वाले पार्टीशन टाइप के लिए, MBR या MS-DOS, जो डिस्क में नीचे दो ऑप्शन बने हुए आ रहे हैं MBR और MS-DOS, उसके लिए एफ डिस्क है, और जब आपको GPT बनाना हो तो उसके लिए जो है वो जी डिस्क है। ये एक पॉइंट मैंने अपने उसमें मेंशन किया हुआ था, तो इसलिए मैंने आपको जो है वो ये बताया है। ना चले, ये बात जो है वो समझ में नहीं आई मेरे। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता,
डेटा।